नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। गोधन न्याय योजना के सीएम भूपेश बघेल ने की शुरुआत। देश का पहला राज्य जहां होगी गोबर की खरीदी, 2 रुपए प्रति किलो होगी खरीद। सीएम भूपेश बघेल का ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना तय। होरा महासचिव और कोषाध्यक्ष के लिए गए थे आवेदन। छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में 22 से लग जाएगा कर्फ्यू। जुलाई की सीमाएं हो सकती हैं सील। जरूरत के सामानों में मिलेगी पहली जैसी छूट। राजधानी में लॉकडाउन इस बार ज्यादा सख्त। सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगे बाजार। इस बार 2 घंटे का समय किया गया कम। लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का ग्राफ। 159 नए मामलों ने बढ़ाई चिंता। 5200 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। सावन का तीसरा सोमवार आज। विशेष अनुष्ठान के साथ भगवान अर्धनारीश्वर के पूजन का विशेष महत्व। घंटी और जयकारों से गूंजे शिवालय। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। संघ के अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महासचिव पद के लिए गुरुचरण सिंह होरा का निर्विरोध चुना जाना तय है। इन दोनों ही पदों के लिए सिर्फ एक एक आवेदन आए थे। दोनों ही पदाधिकारी छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी गौधन न्याय योजना की शुरुआत होगी। सीएम भूपेश बघेल हरेली त्योहार के अवसर पर अपने निवास में हरेली पूजन के साथ इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत प्रदेश भर में 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी की जाएगी। रायपुर में योजना की शुरुआत करने के बाद सीएम आरंग के बिहार और दुर्ग जिले के पाटान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेकर योजना का शुभारंभ करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में गौधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में गौ पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम को और सड़कों एवं शहरों में जहां आवारा पशु घूमते हैं उसको लेकर के ये योजना है और इससे आर्थिक रूप में भी किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर गोबर की खरीदी की जाएगी और इससे किसानों को बेहद लाभ होगा। आज आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली फेस्टिवल पर गोधन न्याय योजना की शुभारंभ किया है और हरेली पर्व आज मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। हरेली पर्व से ही आपको बता दें त्योहारों की शुरुआत हो जाती है छत्तीसगढ़ में और हरेली पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छत्तीसगढ़ का और इसी दिन गौधन न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह निर्णय लिया कि हरेली पर्व के दिन ही वो गौधन न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे जिससे किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके, क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा है। ऐसे में अगर ऐसी योजनाओं का शुभारंभ होता है, ऐसे में अगर इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है तो किसानों को इससे काफी लाभ पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें, 25 जून को सीएम ने इसकी जानकारी दी थी, ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि वो हरेली उत्सव पर ही इस योजना का शुभारंभ करेंगे। 25 जून को उन्होंने ऐलान किया था और आज हरेली पर्व के मौके पर वो इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। बता दें आपको, हरेली पर्व को कृषि गतिविधियों की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। इस योजना का राज्य में काफी चलन भी है। ये फेस्टिव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत
हरेली पर्व से ही हो जाती है। और आज ही के दिन भूपेश बघेल गौधन न्याय योजना का शुभारंभ भी कर रहे हैं। ऐसे में जो किसान है उनके लिए काफी लाभ होगा और उनको उनकी जो आर्थिकी है वो काफी मजबूत भी हो जाएगी। प्रदेश में 2 रुपए किलो की गोबर की खरीदी की जाएगी और ये पहला ऐसा राज्य जहां पर गोबर की खरीदी की जाएगी। तो गौधन न्याय योजना की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में आज हरेली पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। काफी समय से इस पर्व को मनाया जा रहा है और आज ही के दिन हरेली पर्व से ही फेस्टिवल्स की शुरुआत हो जाती है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा पर्व हरेली पर्व मनाया जाता है। इस दिन आपको बता दें जो अनाज है उनकी पूजा की जाती है, लोग अपने हल की पूजा करते हैं, जिससे खेती की जाती है उन सभी चीजों की पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात जो हरी सब्जियां होती हैं, जो अनाज होता है उसका दान भी किया जाता है। लोग एक दूसरे के घर में जाकर के हरी सब्जियों का दान करते हैं, अनाज को दान करते हैं। अपने आप में एक परंपरा है। ऐसे में लोग काफी गीत वीत भी गाते हैं और काफी खुशी से हरेली पर्व को मनाया जाता है। जो सब्जियां होती हैं हरी हरी सब्जियां जो खेती में हरेली दिखाई देती है उसकी पूजा की जाती है। जिस चीज का किसानी में उपयोग किया जाता है, जिस चीज से खेती की जाती है उन सभी चीजों की आज पूजा की जाती है, हल की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि बारिश का मौसम भी ऐसे में शुरू हो जाता है तो जो बीमारियां हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। तो बैल जो हमारे होते हैं उनको भी नमक आज खिलाया जाता है जिससे जो बीमारियां हैं वो उससे दूर रखा जाए। बैल की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने हरेली फेस्टिवल पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इस जश्न में रायपुर में हिस्सा लिया। हरेली के अवसर पर राज्य के कई अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। सरकार ने गोबर का परिवहन सहित 2 रुपए प्रति किलो दाम तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में गौ पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम तथा सड़कों एवं शहरों में जहां जहां आवारा पशु घूमते हैं उसको प्रबंध करने के लिए यह पर्यावरण की रक्षा करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई है। बता दें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के मुताबिक मंत्रिमंडल उप समिति ने गाय का गोबर खरीदने की सिफारिश की थी। विश्व में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि पूरे विश्व में कोरोना के 14 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए, साथ ही साथ 60 लाख से ऊपर मौत हो चुकी है। अगर बात की जाए भारत की तो भारत में अभी तक कोरोना की संख्या 11 लाख से ऊपर हो चुकी है, साथ ही साथ अभी तक 27,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है और 7 लाख से ऊपर लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो 24 घंटे में कोरोना के 159 मामले सामने आए। सावन के महीने को भगवान शिव की पूजा और मनोकामना की पूर्ति का महीना माना जाता। इस महीने में कई पूजा अर्चना से भोलेनाथ खुश होते हैं और सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। 20 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार है। बता दें खास बात यह है कि इस दिन हरियाली अमावस्या भी मनाई जाती है। सावन में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के भक्त व्रत रखते हैं। शिव मंदिरों और शिवालयों में इस दिन शिव का जलाभिषेक किया जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया, जयकारे लगाए गए और आरती की गई। लॉकडाउन को लेकर व्यापारी संघ की मीटिंग में सब्जी फुटकर विक्रेता चंदन गुप्ता जब अपने पक्ष की बात लेकर खड़े हुए तब उन्हें विधायक के द्वारा चुप करा दिया गया। चंदन गुप्ता जब सब्जी मंडी को लेकर कुछ सवाल करना चाहते थे तब उन्हें चुप करा दिया गया। और जब चंदन गुप्ता विधायक ने से कथा तथा जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों से इसका जवाब मांगा तब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और विधायक जी चुपचाप चले गए।
शनिवार और इतवार दोनों दिन निर्णय तो नहीं लिया गया, जो बातें कलेक्टर साहब के तो वही बता सकते, जब हमसे उनको मतलब ही नहीं था, व्यापारी सब्जी वाले वो बोलते हैं व्यापारी संघ सब्जी वाले नहीं आता, जब सब्जी वाले से मतलब नहीं है तो सब्जी वाले क्यों बुलाते हैं? क्या जनप्रतिनिधि हो गया, हमारा एक जनप्रतिनिधि है कि नहीं है? तो हमारे भी विधायक हैं, हम लोग भी उनको वोट दिए हैं और हम लोग का बात को अनसुनी करना। मियाँ को चुप इसलिए कहा गया क्योंकि सब्जी बेचते हैं, सब्जी वाले को कोई मान्यता नहीं दिया जा रहा है। जैसे उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि शनिवार और इतवार दोनों दिन मार्केट बंद रहेगी, तो सब्जी वाले दो दिन सब्जी क्या करेंगे? बचने के बाद जो सब्जी बचेगा तो फेंकना पड़ेगा दो दिन के बाद। किराना वाले, सोना चांदी, चप्पल जूता, कपड़ा वाले, ये तो अपना दो दिन क्या चार दिन के बाद ही बेचेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सब्जी वाले को भारी नुकसान इसका झेलना पड़ेगा। नहीं, निर्णय तो नहीं लिया गया, जो बातें कलेक्टर साहब के निर्देश थे व्यापारियों से चर्चा करने बात करने की, तो हमने बात करी है, उनके तरफ से जो बिंदु आए हैं उसको हमने नोट कर लिया है। और चूँकि उस बात से हम जैसे विधायक जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि हम कलेक्टर साहब से आपकी बातों से अवगत कराएंगे और हमारे तरफ से कलेक्टर साहब से नगर निगम के माध्यम से बातें अवगत कराई जाएंगी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के हावड़ा एंड फुट ओवर ब्रिज में लेटेस्ट गर्डर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। फुट ओवर ब्रिज को 22.78 मीटर लंबे एवं 6.8 मीटर चौड़े लगभग 32 टन वजनी लेटेस्ट गार्ड को क्रेन की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बता दें बिलासपुर स्टेशन के दूसरे छोर की तरफ से यात्री सुविधा का विकास किया जा रहा है। इसके तहत दूसरे छोर में भी टिकट घर, प्रतीक्षालय, पार्किंग आदि का प्रावधान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पली बढ़ी, वहां की वेशभूषा खान पान आदि दिन पे दिन लुप्त होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण लोग अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति धीरे धीरे पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में लक्ष्मी आगे आकर छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति को जागृत कर रही हैं और छत्तीसगढ़ की पोशाक पहनकर बाहर निकलती हैं, तब लोग उन्हें देखे रहते हैं, लोगों को छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में समझाती हैं एवं कुछ ना कुछ कार्यक्रम जरूर करती रहती ओकर। सबसे पहले बड़ा ही सुंदर मोर छत्तीसगढ़ हरे और आज मैं अपन पोशाक में आ हूँ, जो छत्तीसगढ़िया भाव ले लेके आ हूँ, गहना गुड़िया बोली भाका खान पान जो नदावत है ओला हम आज हमारे नवा युवा पीढ़ा पीढ़ी मनला हमारे नानी नानी लड़का मनला बताना है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है, तीज त्यौहार है, जैसे अभी हरेली है और ओकर बाद पूरा तिहार है, सब त्यौहार हम मनाए के करके मनाबो हमारे कोरिया जिला में। ओकर से मैं भाई मन के संग में बहनी मन संग मिल के आज यहाँ पहुँचे हूँ सिरमिरी। एक तरफ राज्य सरकार कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन करने की तैयारी कर रहे, मुख्यमंत्री ने जिले के कलेक्टरों को इसके लिए अधिकृत किया है। आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ती नजर आएगी वहां के कलेक्टर अपने विवेक का उपयोग करते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कलेक्टर कितने समय अवधि के लिए लॉकडाउन करेंगे ये भी उन पर ही निर्भर करेगा। तो वहीं दूसरी ओर धमतरी जिले में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को खुला निमंत्रण दिया जा रहा है। नगरी विकास खंड के नरहारा धाम में हजारों की संख्या में मेला लग रहा है, अन्य जिलों से सैलानी पर्यटन स्थल का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं, ना ही कोई मास्क लगाता है और ना ही शासन द्वारा तय किया गया कि शारीरिक दूरी के नियम का पालन किया जाना चाहिए, जो कि एक विषय चिंता का बन चुका है। समूह द्वारा चलाए जा रहे थे हम के सब जन के ग्रुप में दो दो तीन तीन जन मिला के पर्यटन समिति वाला ये कर रखा। 9 तारीख से चालू हो है, 9/8/2020 से चालू हो है। आज जनसंख्या देख देख के आते ही पिछले वाले संडे में जनसंख्या ज़्यादा रही से पहली बार ही से 13,500 टिकट कटे है। और स्वयं सहायता समूह मन मैंने दे है ये साफ सफाई और यहाँ के जो है देखना है करके और इन्हीं लोगों को आदेशित किया है। दो हफ्ते हुआ है तो बीच में बंद कर दिए थे, हाथी आया था, तीन चार रोज यही नरहरा पे थे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने हरेली फेस्टिवल पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इस जश्न में रायपुर में हिस्सा लिया। हरेली के अवसर पर राज्य के कई अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। सरकार ने गोबर का परिवहन व्यय सहित 2 रुपए प्रति किलो दाम तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गौ पालन के आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम तथा सड़कों एवं शहरों में जहां जहां आवारा पशु घूमते दिखाई देते हैं उनको रोका जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में गौधन न्याय योजना शुरू की गई है। बता दें कि कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के मुताबिक मंत्रिमंडल उप समिति ने गाय का गोबर खरीदने की सिफारिश की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्ग से रवि शोनकर जुड़ चुके हैं। रवि, आज हरेली पर्व भी बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो वहीं गौधन योजना की शुरुआत भी होगी। पहले तो मैं आपसे हरेली पर्व के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूंगी, किस तरीके से लोग मना रहे हैं, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। जी, जैसा कि छत्तीसगढ़ का एक मुख्य त्योहार हरेली के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हर एक छत्तीसगढ़ का एक मुख्य त्योहार है जहाँ जो एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें हर एक घरों में इसमें नीम का पत्ता लगाया जाता है और भी कई तरीके के मिठाई पकवान हर घर में इसमें बनाए जाते हैं। जी, जिस तरीके से आज गौधन योजना की भी शुरुआत हुई है, किसानों के लिए बेहद खुशी की बात है क्योंकि गोबर की खरीदी की जाएगी और जो आर्थिकी है उनकी उसको मजबूत भी किया जाएगा, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो अभी गौधन न्याय योजना का जो शुभारंभ किया है यहाँ पे, तो उसके अनुसार तो इसमें जो पहले कहा जाए कि 1.5 रुपए जो गोबर जो खरीदने का जो वो था सिस्टम था, अब उसको 2 रुपए कर दिया गया। तो इसकी शुभारंभ करने आज मुख्यमंत्री यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में आ रहे हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो गोबर की खरीदी की जा रही है, जो योजना का ये शुरुआत की गई है गौठानों से की जा रही है, अब गौठान बनाए गए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, सबसे पहले कार्यक्रम यहाँ मुख्यमंत्री आदर्श थाना को यहाँ पे आज इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं पाटन थाना को, और उसके साथ ही साथ फिर उसके बाद फिर वहाँ पे गौठान का फिर उद्घाटन वहाँ से करेंगे। जी, जिस तरीके से आज इस योजना की शुरुआत की गई है, तो जगह जगह पे सड़कों पे जो आवारा पशु घूमते दिखाई दे जाते हैं उसकी रोकथाम के लिए भी इस योजना को काफी सफल माना जा रहा है, उससे भी काफी स्थिति सही हो जाएगी। जी, जैसा कि यहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अक्सर तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए कि कई कारण ऐसे होते हैं कि जिसमें जो गाय जो पशु है जो सड़क पे जो वितरण करते रहते हैं या बैठे रहते हैं उनके वजह से भी अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं होती जा रही है, और जिस तरीके से यह योजना का जो शुभारंभ किया जा रहा है उसी तरीके से इसमें लगातार इसमें जो दुर्घटनाओं को देखकर यह योजना को बताया जा रहा है और ये इसमें दुर्घटनाओं में लगातार इसमें तेजी से पल्लव ही नीचे गिरेगा, इस पर इसका दुर्घटनाओं होने से नियंत्रण होगा। जी, तो ये योजना बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इससे कई सारी फायदे की चीजें सामने लेकर कर आएंगी, कई सारे लोगों को फायदा इससे पहुंचेगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस समय कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर हो चुकी है, ऐसे में इस योजना का शुरुआत किया गया है जो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जी, जैसा कि अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगातार तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, जो आज तक की जनसंख्या लगभग 5700 की जनसंख्या कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है, उसकी विपरीत ये योजना को जिस तरीके का लोगों के जेब में जो असर पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना का शुभारंभ किया गया है, और इस योजना का यह योजना जो कोरोना काल से जो लोग पीड़ित हैं जिनको अभी रोजगार के लिए जो भटक रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होना है।
जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, अगर बात की जाए जो मंत्री हैं वो हर जिले में इसकी तैयारी कर रहे हैं, हर जिले में गौठान खोले गए हैं ताकि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना पैदा हो पाए, तो अगर जिलों की बात की जाए जो गौठान खोले गए हैं उसमें क्या कुछ तैयारियां, उसकी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, इसकी जानकारी हर जिले में गौठान का जो बनाया जा रहा है उसमें अधिकतर जो पशु हैं जो बाहर जो घूमते थे वह वहाँ पे गौठान में एक स्थित जगह में वहाँ पे वो विचरण वहाँ पे किया जाता है, उनको हर चीज वहाँ पे उनकी देख रेख अच्छे से की जाती है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। जी, तो बेहद खास योजना है ये, आज हरेली पर्व भी है और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश ने इसका योजना का शुभारंभ किया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस योजना का शुभारंभ किया। आज हरेली पर्व है जो छत्तीसगढ़ का सबसे खास पर्व माना जाता है। आपको बता दें इस पर्व में आज अनाज की पूजा की जाती है, तो वहीं बैल की को चारा खिलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और जिस तरीके से जो खेती में जिन जिन चीजों का उपयोग किया जाता है उनकी पूजा की जाती है। लोग दूसरों के घरों में जाकर हरियाली को बांटते हैं, सब्जियों को बांटते हैं, और ये पर्व बेहद खास माना जाता है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अब्रार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इल्दार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी बात, अर्जुन देव वार्षने, अमित कुमार, के न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी में 22 जुलाई से प्रभावशील होने वाला लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। बाजार सुबह 6 से 10 बजे तक खुलने रहेंगे। पिछले लॉकडाउन में बाजार का समय दोपहर 12 बजे तक खोलने का समय था, इस बार 2 घंटे समय कम कर दिया गया। किराना, दूध, सब्जी, फल की दुकानें सुबह 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी को सप्लाई की छूट रहेगी। अल्बर्टा ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा और बसों सहित कोई भी यात्री वाहन नहीं चलाएंगे। यही वजह है कि इस बार अति आवश्यक चीजों की दुकानें खुलने का समय भी 2 घंटे कम कर दिया गया। खबरदार मंत्री जिला से है जहां पर मगरलोड थाना इलाके में पछार के जंगल में चल रहे जुआ के फंड में करेली बड़ी चौकी पर धमतरी पुलिस ने दबिश देकर 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 22 बाइक, 6 कार, 18 मोबाइल फोन, 1,85,200 रुपए नकदी बरामद किए गए। एएसपी के निर्देश के बाद, एएसपी के मार्गदर्शन के शनिवार को पुलिस की टीम ने घेराबंदी करके 22 जुआरियों को पकड़ लिया है।
भाटापारा जिले के सभी नौ नगरीय निकाय क्षेत्र में 21 जुलाई को रात 12 बजे से लेकर 29 जुलाई तक 12 बजे तक दुकानों को बंद रखना प्रस्तावित किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके बचाव के लिए कलेक्टर जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन द्वारा इस आशय के आदेश जारी किया गया है, जहाँ इस दौरान केवल अति आवश्यक सेवाएं वाले प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के प्रावधानों का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा। बगैर मास्क के कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। कलेक्टर ने पूर्व में जारी सभी जो गाइडलाइंस हैं उनके आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए। इसमें 185,000 रुपए जब्त हुए हैं और इसके अतिरिक्त 18 मोटरसाइकिल और 6 कार हैं जो कि मौके से जब्त किए गए, जो इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से खेलने के लिए अपने कार्य व्यवस्था बनाई थी। उसमें टेंट, दरी और वहां पे पूरे एक बोरी में पानी के पाउच वगैरह थे, अलग से गड्डी रखी हुई थी जिसमें ये रबर वगैरह रखे हुए थे, तो ये पूरे अच्छे तरीके से, और 4 गड्डी ताश की पत्ती थी। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं